आप ऐसे जबरदस्ती करके हमारे घर में नहीं घुस सकती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा टाइम मत वेस्ट करिए, जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी नहीं, मैं आप बात करने आई हूं तो बिना बात किए आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। करण, और बच्ची हो बच्चों की तरह ही बिहेव करो, इतना एटीट्यूड दिखाना ना अच्छी बात नहीं है। चलो वहां चुपचाप जाकर बैठो और मेरी बात सुनो। आई सेड ना वहां जाकर बैठो और मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और कब आएंगे? वो मेरी दादी को लेके हॉस्पिटल गए और टाइम लगेगा। तो मतलब मैं आज उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट तुमसे तो बात कर ही सकती। लगता है इन्होंने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। गुड, पर पापा के आने से पहले इन्हें किसी तरह वापस भेजना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीरा, हाँ, तुमने माँ के सारे रिपोर्ट्स तो ले लिए ना? ओह नो मोना, I'm really sorry यार, मैं जल्दी जल्दी में रिपोर्ट्स लेना ही भूल गई यार। क्या? I'm so sorry। क्या करती हो यार तुम मेरा, अब वापस घर जाना पड़ेगा हमें। ये मोहन और मीरा के भरोसे तो हम ठीक होने से रहे। ऊपर से राधा नाम का ये खतरा अलग हमारे सर पर मंडरा रहा है। ये बेवकूफ मोहन राधा का पड़ोसी बनने के लिए तैयार बैठा है, पता नहीं आगे क्या होगा। राधे राधे युग बेटा। अरे दादी, बाबा, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। चलो बेटा। राधिका आप लोगों से मिलके इतना खुश होगी ना, कितना याद कर रही थी वो आपको। दादी, बाबा, आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हम लोग बहुत आराम से आ गए। अरे बहुत सही, प्लीज आइए ना आप लोग। सुशील, चलो मां, दादी के लिए पानी लेकर आओ प्लीज। राधिका के पापा और दादी, युग ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया?